भोपाल में पुनरुत्थान विद्यापीठ के प्रकल्प ज्ञान सागर के 1051 ग्रंथों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रमुख कार्यवाहिका सीता ने कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सर्व की स्थापना आवश्यक है। पुनरुत्थान विद्यापीठ के ज्ञान सागर प्रकल्प के 1051 ग्रंथों के लोकार्पण समारोह कार्यक्रम भोपाल के प्रज्ञा दीप संस्थान में हुआ। इसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख कार्यवाहिका सीतक्का थी। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र के संघ चालक अशोक सोहानी ने की। राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख कार्यवाहिका सीतक्का ने कहा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में स्व की स्थापना की आवश्यकता है। हम जो भी विषय पढ़ते हैं वे भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों के अनुरूप नहीं है। इसी कारण आज की पीढ़ी में एक बहुत बड़ा वर्ग दिग्भ्रमित दिखाई देता है। व्यवस्था परिवर्तन का अगला कार्य स्व आधारित तंत्र निर्मित करना है। उस दिशा में हमने कुछ कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने पहला अवतार लिया, यानी ग्रंथों की रक्षा करना दैवीय कार्य है। आरएसएस के क्षेत्र संघचालक अशोक सोहानी ने कहा कि लोगों को सहज समझ में आए इस प्रकार से ग्रंथों की रचना की जाती है तो वे प्रभावी होते हैं। ग्रंथों को समझना और उनके आधार पर जीवन मूल्यों का निर्माण करना बेहद आवश्यक है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।